मेरे हाथों से जान निकली है बंदे की, रोन निकल गया भाई मेरा उत्ते, सारी रात मैं नींद नहीं आई बंदे की हाथों से जान निकली हो। अखा खुलियां भी सी, मैं बई तू अखा नमी च, सिद्धू मैं आप आख्या, मैं बई अखा नमी च, अखा नमी च, वो बस पहले तो हथ कन्नी झाक बई, हथ कन्नी झाक के बई बंदा डोल गया, सह चल रहे थे जो लेके गए, मैं वो मतलब नब्ज चैक करी सी, उ जाके पूरा हो गया सी, मतलब होस्पिटल से जाके बई दे सह चलते थे जो अभी बई न गड्डी च पाया गया। जवारके पिंड असी मौजूद हाँ जिथे कल सिद्धू मूसेवाल गोलियां मारिया जाने उस जगह पर मौजूद हाँ जिथे एक घटना जी वापरी आ, काफ़ी फैल जोड़े हुए हैं, जो मौके के गवाह से चश्मदीद से उन्होंने गलबात करा कि सारी घटना किस तरह हुई है, तो जोड़े नौजवानों ने बाहर क्ढ़िया वो नौजवान भी साढ़े मौजूद ने उन्होंने भी गलबात अं करा कि किस तरह जी घटना वापरी है, तो यह बई जे कल उ मौजूद से इन्होंने गलबात करा बई जी जो फैर होंगे तो कितने से कि टाइम बाद इतने पहुँचते हो? जो फैर होया मैं घर से करे, मैं सुता पे उठा, मैं खा कौन पटाके पाई जाता गा, जो मैं बाहर आके देखा सड़क के उत्ते कट्ठ खापी होया पाया सी, उरे आके देखा तो इतने गोलियां चल के हट गई सी, वागे से बंदे पांच मिनट पहले ही वागे से बंदे, सारा पिंड उरे कट्ठा हो गया बई, उदू पहला तो जिम्मे आवाजाई ट्रैफिक वाले से वो बंदे रुक के गड्डी देखी आते ऐ, किसी नहीं पता लगे सी मूसेवाला है, उदू बाद इतने पिंड का कट्ठ होया, मैं आके देखा मैं खा कौन आ बंदा, वो दूजे बंदे जेडे नाल सीगे वह मतलब बंद ने तो वो छोड़ ही जाते हैं ना बई जो एड्डा व्डा हादसा होया गोलियां चलिया हूँ, तो करके उदू बाद मैं जो आके देखा बंदे मखा यह मूसेवाला यार मैं रौला पाया, उदू बाद खारे तो सरपंच का मुंडा सगा, हूँ मैं आख्या बई मखा आप गड्डी लै चलते हैं, गड्डी लैके असी फिर होस्पिटल च गए बई, इट्टा भन के सारे पिंड के मुंडे ने कोई जात पात का नहीं भी जिमीदारा के मुंडे ने कर मजबूत ने सारे ने कर बी कट्ठे ने हूँ मूसे पिंड के लोग गड्डी के शीशे भन के बार कटे, हाँ बई हाँ इट्टा भनिया गड्डी लॉक सी, एक जी बई सिद्धू बैठा से जेडे पासे उधरले पासे मतलब टाकी खुली से उधर असी खोल ली सी टाकी, हूँ मूसे पिंड के लोग ब्लैम ला रहे हैं भी जमारके पिंड दे ने किसी ने मदद नहीं करी हैगी, हूँ बई मेरे लिए सबूत आ सारा कुछ आ मेरे लिए भी असी मदद करी है, मैं पता भी असी आसानियत के नाते असी सारे ने चक्या बई अद्धा पिंड इतने कट्ठा हो गया सी करके जी, तो जो लैके गए सिद्धू नाल बई मैं नाल बई जो सह चल रहे थे जो लैके गए मैं वो मतलब नब्ज चैक करी सी, हूँ जोड़ा सूआ गा इतने जमारक है बी जमारक इतने सूआ गा, तो गुरु घर को जाके बई बंद ने अखा खुलियां भी सी, मैं हाँ बई तू अखा नमी च, सिद्धू मैं आप आख्या, मैं बई अखा नमी च, वो बस पहले तो वे हथ कन्नी झाक है बई, हथ कन्नी झाक के बई बंदा डोल गया, तो उस तो बाद मैं आख्या बई अखा नमी च मेरे हाथों से जान निकली है बई बंद की, रोन निकल गया बई मेरा उत्ते, सारी रात मैं नींद नहीं आई बंद की हथा से जान निकली हो, सह चलते जो लैके बई सह चलते थे उ जाके पूरा हो गया से मतलब होस्पिटल से जाके करके जी, तो होर भी इतने मौके से जो बई तुम बई बहर क्ढन के मदद की आ कि बजे की यह घटना हुई है? इस 5:25 का टाइम है जी, 20:25 के करीब टाइम है जी, 25 हो सकते 30 भी हो सकते जी, कोई टाइम आप कड़ा कोई फिक्स देखा जी टाइम, हाँ ये टाइम तो हुई है जी वारदात। टाइम लग जाता गा बहर ले क्ढन से कि टाइम लगता, तो गड्डी आने कि टाइम लग जाता? ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 25 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕੱਢਣ 'ਤੇ, ਹਾਂ 30-40 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਈ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਬਾਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਊ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। इतों थोड़ी दूरी पर जी फायरिंग होंगी हैगी, फायर जोड़े किए गए हैं कहते तुरके उन्होंने तुरके किए है कि ज गड्डी निकल के बाहर कड़ के नहीं, बई जे फायर हुए ने यह तो मेरे आने तो पहला हो गए जी, फायर बारे नहीं आपको पता, फायर मेरे आने तो पहला हो गए जी, जो मैं आया जी मैनू घर फायर सुने ने, मैंने घरों फायर सुने, मैं मोटरसाइकिल चक्या, मैं मोटरसाइकिल लेके आई, मेरे आदि मूसे वाली गड्डी के लोग आले दुआले खड़े थे, महर बई आया गया, महा हो सकता लोगों ने पटाके पाए हो, जो बी मैं कोल आया मैं तो उदो पता लगे भी ऐ करके तो फायरिंग होगी बई पिया गा, फिर बई असी टाकिया भनिया गड्डी दियाँ, फिर जाके बई नू कढ़िया, बई दे उदो सह चलते थे जो असी बई नू गड्डी च पाया गा, चलते ही बई एक मूसे पिंड दे कह रहे ने गे भी असी साडे पिंड दे इत्थों बंदे गए जी, असी चक के लियाता बई इह जी गल कोई नहीं, जमारकियां दे मुंडिया नहीं कढ़िया, असी 7-8 मुंडे लग गए, असी कढ़िया बई उह गड्डी चों, असी पाया गड्डी च, तो बई बन के भी यह झूठिया हवावं जां इह गल्लां ना फैलाओ। जदों बाहर तुसीं कढ़िया गड्डी दे विच्चों तां उदों किन्ने क लोग सी इत्थे, फिर जदों बाहर लैके जांदे मानसे लैके जांदे किन्ना क समां लग जांदा लैके आण दे?
समय दिता जी चार पाँच मिनटा की मन के चलो जी इतने वाट 700 किलोमीटर दूर है जी हस्पताल 1.5 किलोमीटर दूर होगा जी। हाँ जी हाँ पाँच सत्त मिनट लगे हो गए ज़्यादा तो ज़्यादा बस तो बई दे दसण की गल है अपने गुरु घर जाके बई को उदो ये बई को अखा मीच गया बई नाल बिठाया सी यदि जी वीडियो वायरल हुई है कड़े की वो बई इन्हें आपकी दिखाई हैगी तो वह बई एक मूसे वाले ने वीडियो पाई हैगी हस्पताल चो पाई है शाम को भी कहते जमारकियां ने मदद नहीं की असी बई बई नू दिलों कढ़िया बाकी बई नू जानते सी करते सी सारे मुंडी जानते सी तकरीबन बई आउंदा जांदा सी इधर नगदा टपदा रहिंदा सी तकरीबन सारी जानते सी बई दी दिलों मदद की है बई। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇਖੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਂਦਾ ਸੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਗੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਟਾਕੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਡੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ ਵੀ ਪਲਾਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਟਿਮਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਬਾਈ ਉਹ ਕੁਛ ਕਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਗੱਡੀ ਚ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हाँ गड्डी जो उतर की चलाइया ने बई जो इतने इस तरह जो उड़ के आए इतों बैग भजी जाते सू नहीं पता सूँ कहते भी मतलब जवाक ने कहने पड़ाक पड़ूका चला तुम आए उदो हमारे पर भजी भजी आ रहे बागे से बई इतने कोई नहीं पंद्रह मिनट तो साढ़े पिंड लवे नहीं लगे दुबार लगे ने बई लवे पता ही नहीं बई किसी जो पता हो फिर तक लग जाए नाले कोई सड़क बेली से बई इतने कोई नहीं कोई बच्चा भी नहीं बई इतने नंबर देख लेंदे चल गड्डी देख लेंदे हुण सैणे पैणे बंदे जिहड़े टप्पी गए उन्हां नूं कुछ नहीं पता बैग भज्जी गए अगले देख देख इधरों इधर भज्जी गए इधर इधर भज्जी गए इह तां बाद दीआं गल्लां सी बई इह तां उहीं कही जांदे ने उहदा बेचारा हुण जिहदे घर पट्टा है उहनूं पता होणा अगले नूं हैं इह तां गल्लां बणाई जांदे बई उहीआं तो यह मौके पर जी मौजूद से नौजवान जिन्होंने सिद्धू मूसेवाल को बाहर कढ़िया गया उन्होंने सारी सच्चाई जी दसी आ तो इतों थोड़ी दूर से जी गोलियां चल दी तो इधर कंध से भी जी गोली वजी आ कंध से फायर जिहड़ा वजिया हुआ निशान तुसीं देख सकते हो ये दूर एक होर उपर एक फायर वजिया यह कंध से जिहड़े फायरां दे निशान ने जिहड़े कंध से गोलियां चलियां ने यह जिहड़े उपर भी तुसीं देख सकते हो जिहड़ी गोली चली आ ये गोली है जिहड़ी कल जदों सिद्धू मूसेवाल से गोलियां चलाईयां गईयां सी तां इह जिहड़े फायर इत्थे कंध ते भी वजे आ क्योंकि इत्थों थोड़ी दूरी ते ही इत्थों बिल्कुल नज़दीक थोड़ी दूरी ते ही जिहड़ी सिद्धू मूसेवाल दी थार गड्डी है जिहड़ी उहते गोलियां चलदियां ने गड्डी दे किन्ने टायर पंचर सीगे तिन्न टायर पंचर सीगे ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਉਤਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਾ ਕਿ ਉਤਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚ ਵੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਕੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ महान कलाकार जी ने बहुत थोड़े समय के एक वड्डी पहचान पंजाबी इंडस्ट्री के बनाई सी तां उस नौजवान कल शरेआम दिन दिहाड़े जिहड़ियां गोलियां मार दित्तियां जांदियां ने इस जगह ते जिहड़ी कल फायरिंग हुई सी तां उसते सामने निशान भी जिहड़े लगे हुए ने तां इत्थे कच्च खिल रिहा होया इत्थे गड्डी जिहड़ी खड़ी सी इत्थे थार गड्डी जिहड़ी कल खड़ी सी जिहड़ा कच्च जिहड़ा खिल रिहा होया इह तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो जिस जगह ते जिहड़ी गड्डी आ उस थार गड्डी इत्थे जगह ते खड़ी सी तां लोकां ने इत्थे मौजूद जिहड़े सी नौजवान उन्होंने दस्सिया कि हमलावर इधर बरनाले वाली साइड बरनाला खारा पिंड आ उधर नू गए आ इधरों आए सीगे ते जदों गोलियां वज्जियां ने गोलियां उन्होंने खड़ के उतर के जिहड़ियां गोलियां चलाईयां ने उतर के गोलियां चला के तो उस तों बाद हमलावर बरनाले वल नू भज जांदे ने तां इह तस्वीरां ने उस जगह दियां जिथे कल इह हादसा वापरिया उस जगह दियां तस्वीरां ने ते इत्थे पुलिस प्रशासन भी लगाया गया पुलिस प्रशासन नू भी इत्थे तैनात किया गया इस जगह ते जिहड़ी कल घटना इह वापरी आ एक मंदभागी घटना एक पंजाब का प्रसिद्ध सिंगर इस तरह गोलियां शरिया मार देनिया अपने आप दे एक वड्डे सवाल उठते हैं लॉ एंड ऑर्डर लैके वड्डे सवाल उठते हैं सिक्योरिटी पहला वापस ली जाती है उसका प्रचार किया जाता मीडिया के भी घटना जी ये भी एक बहुत गलत चीज़ गई है गलत संदेश गया जिहदे करके बहुत सारे लोग सवाल चक रहे हैं तो ये तस्वीर ने सामने इस जगह तो जेकर गल की जाए तो सिर्फ 60-70 फुट की दूरी पर जी जगह हैगी उ भी गोलियां जड़िया निशान हाले तक भी पे ने जोड़े कि कंध के उपर जे बजे हुए हैं तो यह घटना इस जगह पर जी घटना जिते कल वापरी उस जगह तो असं मौजूद हाँ लोगों ने दसिया गा कि जिले नौजवानों ने सिद्धू मूसेवाल बाहर क्ड के हस्पताल लेके गए वो नौजवानों ने जी सारी घटना जी दसी है कि किस तरह हमलावर आते हैं उतर के गोलियां चलाते हैं तो चले जाते हैं कैमरामैन लवप्रीत ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।